सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, एन आदाब, मैं हूं आपका दोस्त राजस्थी। दोस्तों आज डिजिटेक ने हमें भेजा है एक बहुत ही खास और बहुत ही बेहतरीन वायरलेस माइक्रोफोन। दोस्तों मेरे पास है आज डिजिटेक का प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम DWM-102। दोस्तों ये जो माइक है ये बहुत ही कमाल का है, इसे हमने प्रॉपर तरीके से चेक किया। तो आइए मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ है, और उसके बाद आपको इसका प्रॉपर साउंड क्वालिटी भी चेक कराएंगे ताकि आपको इसका सारा डिटेल समझ में आ सके। दोस्तों अगर मैं DWM-102 इस माइक्रोफोन की बात करूँ तो सिर्फ 8000 रुपए के रेंज में ये एक ऐसा कमाल का माइक्रोफोन है जिसमें आपको मिलता है एक रिसीवर और दो ट्रांसमीटर। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे अगर मैं इसके बॉक्स को इस तरीके से ओपन करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है एक बॉक्स जिसके अंदर है माइक। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा इसका बॉक्स है। ये बॉक्स हालांकि प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक का, लेकिन इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत कमाल की हमें दिखाई देती है। दोस्तों इसके अंदर आपको ये एक चार्जिंग केस है, बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप ये इस माइक का पावर बैंक है। एंड अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको दो माइक मिल जाते हैं। ये है दो माइक्रोफोन यानी कि दो ट्रांसमीटर, एक रिसीवर। तो ये इस तरीके से मिल जाता है। अगर आपको इसको चार्ज करना है, आपको कुछ भी नहीं, आप इसको यूज़ करें। यूज़ करने के बाद आपको सिंपली इसको इस तरीके से इसके बॉक्स में रख देना है। ये जो माइक है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चार्ज हो जाता है। ये माइक दोस्तों एक बार चार्ज होने के बाद तकरीबन 10 घंटे का टाइम देता है। आप 10 घंटे तक इसके साथ शूट कर सकते हैं। और आइए देखते हैं इस बॉक्स के अलावा इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे मिलता है आपको ये एक पाउच जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़र मैनुअल जो कि बताता है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। ये जो पाउच है सिंपल सा पाउच है। यहाँ पे इसके बाद एक और छोटा सा बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर इसके सारे एसेसरीज हैं। इसके अंदर मिलता है दोस्तों आपको एक डेड कैट सबसे पहले, और इसका डेड कैट की एक खासियत मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने जो भी माइक देखे उसमें जो डेड कैट आता था उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉकेट होता था, लेकिन अगर मैं इस डेड कैट की बात करूँ तो यहाँ पे हमने इसे चेक किया है, ये डेड कैट में आपको कोई भी सॉकेट एक्स्ट्रा दिखाई नहीं देगा। दोस्तों जैसे आप इसको माइक को निकालेंगे और इस डेड कैट को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो ये अटैच हो जाएगा, यानी कि ये मैग्नेटिक डेड कैट है यहाँ पे, और इसको आप इजी वे पे ऐसे निकाल दें और ऐसा लगा लें। और इसको लगाने के बाद यहाँ पे जो क्लिप दी हुई है इस क्लिप को आप आसानी से क्लिप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे केबल्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्या क्या केबल हैं। तो ये मिल जाता है आपको 3.5 mm वाला जैक जिसे आप अपने मोबाइल फोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको अपने कैमरे में से यूज़ करना है तो ये सेकेंड केबल है। एंड इसके बाद दोस्तों यदि आप अपने इस माइक को यूज़ करना चाहते हैं अपने आईफोन पे तो आईफोन का माइक भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एप्पल सीरीज का जो केबल है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक चार्जिंग केबल, सी टाइप केबल से अपने किसी भी मोबाइल अडॉप्टर के साथ या फिर पावर बैंक के साथ चार्ज कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए दो हेडफोन, रिसीवर में आपको सी टाइप पोर्ट दिए हुए हैं। तो जब भी आप रिसीवर में एक रिसीवर जो है इसमें आप सुनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हेडफोन वाला जैक है इसमें आप इस तरीके से इसको लगाएंगे और हेडफोन्स जो हैं उसको आप लगा लेंगे अपने कान पे, इस तरीके से आप लगाएंगे और यहाँ पे आप लगा लेंगे कोई भी एक, चाहे आप मोबाइल का लगा लें केबल या फिर आप लगा लें एंड्रॉयड का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेकंड केबल लगाएंगे यहाँ पे और ये जो इसका एक पिन है इसको लगा देंगे अपने फ़ोन पे या फिर कैमरे पे या फिर अपने एप्पल फोन पे। तो इस तरीके से आपका जो साउंड है, आपका जो माइक का जो साउंड है वो डायरेक्ट आपको मॉनिटर होता रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा कि आप किस तरीके से आपका जो एक्चुअल वॉइस है वो आ रहा है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें मिलती है आपको डिजिटेक के इस DWM-102 माइक्रोफोन के साथ। आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या, इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है, छोटे से बी रोल के बाद। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं DWM-102 के सारे फीचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉक्स है, जब बॉक्स को आप ओपन करते हैं तो आपको एक रिसीवर मिलता है और आपको दोस्तों मिलते हैं दो ट्रांसमीटर। तो ये एक रिसीवर दो ट्रांसमीटर इसलिए मिलते हैं ताकि आप अपने इस माइक को दो अलग अलग डिवाइस में एक साथ यूज़ कर सकें। सपोज आपका पॉडकास्ट का अगर चैनल है या अगर आप इस तरीके से इंटरव्यू वगैरह कुछ शूट करते हैं तो दो लोगों का साउंड आप एक साथ आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें रिसीवर की बात करूँ तो रिसीवर इसका काफ़ी खूबसूरत है, और अगर मैं इसके क्वालिटी की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी की, तो काफ़ी कमाल की इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे दोस्तों रिसीवर में सिंपली डिजिटेक का एक लोगो लगा हुआ है, और इसके अलावा इसमें एक सिंपल सा क्लिप है। यहाँ पे आपको दो
सी टाइप पोर्ट दिखाई देते हैं। इसमें एक जो पोर्ट है वो ओटीजी पोर्ट है, जिसमें आप चाहे तो अपने मोबाइल का या फिर अपने कैमरे का केबल लगा सकते हैं, और सेकंड में आप मॉनिटरिंग के लिए हेडफोन्स लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके चार अलग अलग यहाँ पे दिए हुए, जिसमें एक है इको, एक है ANC, एक में है माइक वन एंड एक में है माइक टू। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो बटन है जिसे आप ऑन करते हैं सिंपल, इसमें तीन ऑप्शन है, एक है यहाँ पे ऑन ऑफ का सेंटर वाला बटन, यहाँ पे ANC का बटन है यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का, एंड एक बटन है यहाँ पे इको का। तो यदि आप सिंगिंग वगैरह करते हैं तो आप इको मोड को यूज कर सकते हैं बेसिकली। यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है वो बहुत कमाल के हैं, जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसको आप ऑन करते हैं लॉन्ग प्रेस करके, तो यहाँ पे ये मोड पे जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो देखिए अभी ये ANC ऑन हो गया। इसके अलावा जैसे मैं मोड पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इको में आ गया। तो इको में भी अलग अलग लेवल हैं, तो आप इको के लेवल को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप ANC के लेवल को बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ANC के लेवल को बढ़ाएंगे उतना एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे माइक वन माइक टू का ऑप्शन है, जैसे ही आप किसी भी माइक को ऑन करते हैं, जैसे सपोज मैं माइक नंबर वन है या फिर टू है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं माइक को ऑन करता हूँ और यहाँ पे हेलो हेलो जैसे भी स्टिंग साउंड लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माइक जो है वो कनेक्ट हो जाता है। माइक जब कनेक्ट होता है तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइट्स हैं ये आसानी से एक साथ एडजस्ट हो जाते हैं। और जैसे मैं ये एक और माइक है इसको भी अगर मैं ऑन कर देता हूँ, जैसे देखिए जो दोनों माइक हैं और एक रिसीवर जो है वो आसानी से कनेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो फीचर्स हैं वो है टू वे मॉनिटरिंग का, तो आप इसे टू वे पे मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों, नो लेटेंसी का। दोस्तों नो लेटेंसी का मतलब ये होता है कि जब आप कोई वायरलेस माइक्रोफोन यूज करते हैं तो वहां पे लेटेंसी आती है, यानी कि थोड़ा सा जो साउंड है ना वो थोड़ा सा डीले आता है। जबकि अगर मैं इस माइक की बात करूं तो इसमें बिल्कुल भी साउंड डीले नहीं आता है। तो आइए अब मैं इस माइक से प्रॉपर आपको चेक करके दिखाता हूँ, और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इस माइक से आपको कैसा साउंड आता है। तो दोस्तों अभी मैं इस माइक को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर मैं लगा लेता हूँ अपने कॉलर पे, और उससे पहले मैं इसमें एक डेड कैट लगा लेता हूँ ताकि जो मेरा साउंड का थ्रो है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। तो ये मैंने डेड कैट लगाया और यहाँ पे सिंपल वे पे मैं इसको इस तरीके से क्लिप कर लेता हूँ। तो इसका क्लिप भी काफ़ी बढ़िया है, ये मैंने क्लिप कर लिया इस तरीके से। अब आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक केबल है जो कि मेरा ओटीजी केबल है, ओटीजी केबल वाले पॉइंट पे मैंने ये लगा दिया, और इसको मैं लगा देता हूँ अपने कैमरे के माइक वाले चैप्टर पे। ये मैंने माइक वाले चैप्टर लगा दिया, यहाँ पे क्लिप है, और यहाँ पे एक और केबल का ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए मैंने सेकेंड ये ईयरफोन वाला चैप्टर लगा दिया, इसे मैं यहाँ पे क्लिप कर देता हूँ। तो ये सिंपल सा मैंने इसे क्लिप कर दिया, ये देखिए ऐसा क्लिप कर देना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार इसका साउंड मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद एक बार हम इसका साउंड चेक कर लेते हैं, इसका साउंड कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे हाँ साउंड एकदम ओके है, और अभी इसमें ANC इसका ऑन है, तो मैं ANC जो है इसका अभी ऑफ कर देता हूँ। फिलहाल इसका सिंपल सा साउंड चेक करते हैं, तो ANC को मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। तो ANC मैंने ऑफ़ कर दिया, इसके बाद मैं ANC ऑन करके भी आपको यहाँ पे सारा डिटेल सुनाऊंगा। तो दोस्तों अभी आपको जो एक्चुअल साउंड आ रहा है वो आ रहा है Digitech के DWM-102 माइक से। आप मुझे चेक करके बताइएगा कि ये साउंड कैसा है। दोस्तों अगर मैं साउंड की बात करूँ तो अभी यहाँ पे ये सिर्फ माइक ऑन है, हमने इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वगैरह कुछ भी ऑन नहीं किया है। एंड दोस्तों इसका फीचर नंबर 3 है ANC रिकॉर्डिंग, यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन इसमें है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अभी फिलहाल आपको सिर्फ माइक का साउंड आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं अपने AC को ऑन कर देता हूँ और इसका जो फैन का स्पीड है इसको मैं हाई में रखता हूँ, तो अब आपको धीरे से समझ में आएगा कि इसकी जो स्पीड है यानी इसका जो फैन की जो स्पीड है वो कितनी प्रॉपर आती है। और यहाँ पे मैं अपने और भी रूम के फैन को ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे सिर्फ माइक का ऑप्शन ऑन है, और यहाँ पे जो AC का साउंड है वो प्रॉपर वे पे चल रहा है, यानी कि AC का जो फैन है वो तेज चल रहा है। एक और फैन मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, तो आप ये वाला फैन ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे फैन भी चल रहा है और सारा कुछ चल रहा है। अब हम इसमें ANC ऑन करते हैं, तो इसके ANC के चार अलग अलग लेवल हैं, आप ANC को ऑन कीजिए। तो दोस्तों ये है ANC का लेवल नंबर 1। ANC जैसे आप ऑन करते हैं तो ये क्या करता है, एडिशनल जो साउंड है उसको नहीं लेता है और मैक्सिमम साउंड आप कर लेता है जो आपके माइक के करीब है। तो दोस्तों यहाँ पे ANC का लेवल 2 ऑन हो गया है, और आप चेक कर सकते हैं साउंड की। अब अगर मैं बात करूँ तो जो मे बी जो फैन का जो साउंड है वो अब कम हो गया होगा, मैं ऐसा नहीं बोलता कि बिल्कुल खत्म हो गया होगा,
क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट चार लेवल हैं। तो मैं इसको और आउटडोर पे जाके भी टेस्ट करूंगा। फिलहाल मैं इसके नेक्स्ट फीचर की बात करता हूँ, यानी कि ये था ANC का। अब दोस्तों इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो सपोर्ट इंटरनल रिकॉर्डिंग, यानी कि आप इस माइक्रोफोन की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि आप इसमें बैकअप के लिए इंटरनल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इंटरनल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ट्रांसमीटर है उसमें यहाँ पर आपका दिया हुआ है मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन, तो आपको मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। जैसे आप मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो एडिशनल मेमोरी कार्ड में हो जाएगा, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है इस माइक के साथ। अगर मैं किसी भी माइक्रोफोन की बात करूं, किसी भी वायरलेस माइक्रोफोन की बात करूं, तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि भैया उसका जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो बहुत कम होता है, यानी कि हर थोड़े थोड़े देर में उसको चार्ज करना पड़ता है। अच्छी बात यह कि इसके साथ आपको एक बहुत ही बढ़िया चार्जर मिलता है, यानी कि बहुत ही अच्छा चार्जिंग केस मिलता है, तो आपको इसको एडिशनल चार्ज करने के लिए अलग से स्पेशली आपको प्लग एंड प्ले नहीं करना होता। आप अपना माइक्रोफोन को निकालेंगे और उसके बाद आप उसको उसमें डाल देंगे, ऑटोमेटिकली चार्ज होगा। आपको सिर्फ इस केस को चार्ज करना है। एक बार चार्ज होने के बाद ये 10 से 12 घंटे का टाइम देता है, 10 से 12 घंटे तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसका एक बहुत ही खास फीचर है, आप इस माइक्रोफोन को ब्लूटूथ के साथ, यानी कि अपने मोबाइल में ब्लूटूथ के साथ अटैच करके आप कराओके म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। यानी आपको अगर गाने का शौक है तो आप इस माइक के इको मोड को ऑन कर दें। इको मोड को ऑन करते ही आपका जो साउंड है वो रिवर्ब होने लगेगा, थोड़ा सा इको आने लगेगा, और उसके साथ आप क्या करें अपने मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ इस माइक को जोड़ दें, तो ब्लूटूथ से जो म्यूजिक प्ले होगा और उसके अलावा जो सॉन्ग आप गाएंगे वो दोनों एक साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है अपने मोबाइल फोन पे। तो दोस्तों अगर आपको गाने का शौक है ये कमाल का है, आइए इसको एक बार चेक करते हैं। तो गाइस बेसिकली अभी मैंने यहाँ पे इसके रिकॉर्डिंग को कुछ ऐसा सेट किया है कि मैंने यहाँ पे ये जो रिसीवर है इसे मैंने सेट किया हुआ है अपने इस आईफोन के साथ, और आईफोन के साथ ये मैंने किया, लेकिन ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने इस मोबाइल का। तो यहाँ से मैं सॉन्ग प्ले करूँगा और यहाँ से मैं अगर वॉइस बोलूँगा तो आपको यहाँ पे जो मेरा ऑडियो है उसमें दोनों चीज़ें दिखाई देगी। तो यहाँ से मैं एक बार सॉन्ग आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं कोई भी रैंडम सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ और बहुत कम सेकंड के प्ले के लिए प्ले करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से जैसे मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ और अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको सॉन्ग और मेरा वॉइस दोनों आ रहा है। तो इस तरीके से यदि आप कराओके गाना चाहें तो कोई भी कराओके गाना लगा के आप आराम से शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक नेचुरल एनवायरनमेंट में हूँ और यहाँ पे आपको जो माइक का अभी साउंड आ रहा है वो विदाउट एनी फंक्शन आ रहा है, यानी कि हमने सिर्फ माइक ऑन किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको साउंड कैसा आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये 30 मीटर्स तक का जो है रेंज है उसको सपोर्ट करता है। तो यदि मैं इसमें पीछे जाता हूँ तो अगर मैं 30 मीटर्स तक भी जाऊँगा और वहाँ से भी अगर मैं पास आता हूँ तो यहाँ पे साउंड की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। साउंड बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसा कि आपको पास से आ रहा था ठीक वैसे ही 30 मीटर तक भी आ सकता है। तो दोस्तों अभी हमने माइक के इस ANC फंक्शन को ऑन किया है और अभी आप इसका साउंड चेक कर पा रहे होंगे। ये जब हम इसका ANC यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हैं तो ये क्या करता है, जहां पर हम साउंड करते रहते हैं, जहां पर हम बोलते रहते हैं, ये उसी को ज्यादातर कैप्चर करता है। एडिशनल जो नॉइस होता है, एडिशनल जो और भी दूसरी चीजों का जो आवाज होता है उसको ये कैप्चर कम करता है, नहीं करता ऐसा नहीं है लेकिन बिल्कुल कम करता है। तो इसमें अलग अलग स्टेप हैं ANC के, तो हमने अभी स्टेप नंबर 1 में रखा है। तो दोस्तों ये है ANC का लेवल 3। इसमें लेवल 3 और 4 अलग अलग लेवल तक दिए हुए हैं। जब आप लेवल 3 पे डालते हैं तो आपको साउंड भी समझ में आ रहा होगा, इसी तरीके से जब आप लेवल 4 में डालेंगे तो और भी अच्छे तरीके से ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कर रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो साउंड है वो प्रॉपर आ रहा है, लेकिन अगर आजू बाजू मान लीजिए किसी चीज की आवाज आ रही है, जैसे कोई फैन है या फिर तेज विंड चल रहा है, उस तरीके की चीजों को जब आप ANC मोड को ऑन करते हैं तो ये बिल्कुल कट कर देता है। ANC का मतलब ही है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। अब आइए दोस्तों इसका एक और खास फीचर देखते हैं जो कि है इसका इको फीचर। यदि आप सिंगर हैं या फिर अगर आपको लगता है कि यार मुझे सिंगिंग का शौक है तो आप इसके इको फीचर को यूज कर सकते हैं। इको फीचर को यूज करने के बाद इसमें थोड़ा सा इको हो जाता है इस माइक के साथ और आप इसको किसी भी कराओके साउंड के साथ अपने मोबाइल फोन से अटैच करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं या फिर गा करके देख सकते हैं ऑडियो के साथ। तो अभी आपको इसका इको का लेवल 1 है, इसमें लेवल 2, 3, 4 अलग अलग लेवल दिए हुए, लेकिन लेवल 1 एंड लेवल 2 काफी अच्छा है, उसमें ही आपका काम बहुत अच्छे से हो जाना है। तो दोस्तों ये थे Digitech DWM102 के कमाल के फीचर। अगर मैं 7,999 रुपए यानी तकरीबन 8,000 रुपए में एक बहुत ही अच्छे वायरलेस माइक्रोफोन की बात करूं जिसका साउंड आप अभी एग्जैक्ट यहाँ पे सुन पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वर्थ है या फिर नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये काफ़ी अच्छा और कम प्राइस में काफ़ी बढ़िया माइक्रोफोन आपके लिए हो सकता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने अपने कैमरे में, इवन अपने मोबाइल फोन के साथ भी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग राजा अवस्थी।
फाइनिंग ऑफ।